कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर अपना जर खरीद गुलाम बनाना है तो उसी फार्मूले पर अमल करो जिस फार्मूले पर 1880 में गोल्ड स्मिथ बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने इजिप्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने उलमा और अवाम के दरमियान नफरत बांटने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी अपनी नौकरी पर रखा है। बिल्कुल है, हम मानते हैं, हमें इससे इनकार नहीं है, जिसका जमीर पहले से भी कहो, मदरसे में जितने लोग पढ़ते हैं सभी शाह वलीउल्लाह बनकर नहीं निकलते हैं, कुछ मीर सादिक और मीर जाफर भी बनकर निकलते हैं और कयामत तक निकलते रहेंगे, मगर उनके निकलने से मदरसों की अजमत कम नहीं होगी, उलमा का वकार खत्म नहीं होगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए हक को जो अपना वारिस करार दिया है, खुदा की कसम इसकी बरकत का ताल्लुक भी कभी मुनक़ति नहीं होगा इंशाअल्लाह। मौजूदा वक्त में ये जो इस टाइप के लिबरल लोग हैं, हैदराबाद में एक साहब ने मेरी मौजूदगी में, सदाए मिल्लत की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं मौजूद था, इत्तेफाक से अकेला सबसे कमजोर मौलवी मैं ही मौजूद था वहां पे, 19 तारीख को अक्टूबर के, वहां हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रोशन ख्याल हजरात तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपनी तकरीर में बर्जस्ता कहा मेरे सामने दो बातें जिस पर मुझे गुस्सा आया, और फेसबुक पे इस वक्त बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। दो बातें उन्होंने कही, एक तो ये कि उलमा की बात सुननी बंद कर देनी चाहिए इस उम्मत को, नाउज़ बिल्लाह, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मौलवी लोग कहते हैं हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, हजरत महदी तशरीफ लाएंगे, कैसी झूठी बात कर रहे हैं। एक प्रोफेसर साहब बयान कर रहे थे, बयान से पहले तो वो प्रोफेसर थे, बयान के बाद वो पूरे सिफर हो गए। अब जब उन्होंने कहा तो मेरा फर्ज क्या था, मेरी जिम्मेदारी क्या थी, वही जो हमने अपने बड़ों की जूतियां सीधी करके सीखा, मैं खड़ा हो गया, मैंने एतराज किया, एहतजाज किया और डांटा, और इस बात पर बसीद हो गया कि मजलिस में दोनों नहीं रह सकते, या तो तुम रहोगे मैं नहीं, या मैं रहूंगा तुम नहीं, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता, और निकलना पड़ा, उनको निकलना पड़ा। मौलवी जब पीछे पड़ जाता है ना, अभी पीछे पड़ा नहीं है मौलवी, प्रधान सेवक जी हो या गुरु जी हो, अभी पीछे पड़े नहीं हम लोग, पीछे जब पड़े तो अंग्रेजों से पूछ लो कि पीछे पड़ने का अंजाम क्या होता है, तजर्बेकार मौजूद है भी गोड़ी चमड़ी वाला, उनसे पूछ लो। अब एक माहौल ये बना, अच्छा ये माहौल इस वक्त इतनी शिद्दत के साथ क्यों बना कि हमारे यहाँ के कुछ मौलवी भी अब माशाल्लाह लुक्मे तर पे सूरह फातिहा की तिलावत फरमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लाटरी लग जाए। लेकिन आप याद रखिए कि हमने कलमा रसूल अल्लाह का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी बहकने वालों का कलमा नहीं पढ़ा है, किसी मिल्लत फरोश का कलमा नहीं पढ़ा है, किसी दीन फरोश का कलमा नहीं पढ़ा है, किसी ज़मीर फरोश का कलमा नहीं पढ़ा है। हमारा कायद उसी वक्त तक कायद होगा जब तक के वो हुब्बे रसूल में शरशार होगा, हमारा कायद उसी वक्त तक कायद होगा जब तक के वो सहाबा का दीवाना होगा, हम उसी वक्त तक किसी को अपना बड़ा तस्लीम करेंगे जब वो अपना बड़ा शरीयत और सुन्नत को तस्लीम करेगा, वरना कितने ही बड़े बाप का कोई बेटा हो हम एक झटके उठा देंगे, कुछ नहीं। ये हालात इस वक्त ऐसे क्यों हुए, असल में हुआ ये है कि आप लोगों ने सांप पकड़ने वालों को सपेड़ा को देखा है कभी, देखा है सपेड़ा को, सपेड़ा अपनी बांसुरी जब निकालता है और जब बिम बजाता है वो, तो आसपास दरों दीवार घरों में झोपड़ियों में महल में छत पे जितने सांप छुपे होते हैं सब बाहर निकल आते हैं, आते कि नहीं आते, जब वो बजाना शुरू करता है तो सांप झूम झूम कर निकलना बाहर शुरू हो जाता है। बाहर सपेड़ा, मोहल्ले में इतने सांप थे पता ही नहीं था हमें, हमें पता ही नहीं था। इस सपेड़े को अल्लाह जजाए खैर दे कि उसने बिम बजाई तो मोहल्ले का सारा सांप बाहर निकल आया। अल्लाह ताला हजरत मोदी साहब दामत बरकातहुम को, हजरत योगी साहब दामत बरकातहुम को जजाए खैर अता फरमाए, बरसों के बाद ऐसा सपेड़ा हमें मिला है जिसने बिन बजाई तो हमारे आस्तीनों से सांप निकल रहे हैं, मदरसों से सांप निकल रहे हैं, मस्जिदों से सांप निकल रहे हैं, अलीगढ़ से सांप निकल रहा है, रोशनदान से सांप निकल रहे हैं, इतने दिनों तक वो सारे मुनाफिकीन और सारे आस्तीनों के सांप जो अहले हक की जमात में घुस घुस कर कटर काट रहे थे, डस रहे थे, मिल्लत को तबाह कर रहे थे, ये तो बेचारे आ गए। अल्लाह भला करे इनका, इनकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए।
कि साहब इन्होंने बांसुरी ऐसी बजाई कि आस्तीनों के सांप बाहर निकल आए, और ऐसा निकले कि निकलने के बाद जो 30 बरस से उलामा को गाली दे रहा था, जो 30 बरस से कुरान और हदीस को गाली दे रहा था, आरिफ मोहम्मद खान को क्या गवर्नर केरला का बना दिया गया कि जितने छोटे छोटे सपोले पीछे थे उन्होंने कहा मालिक दुआ पुरानी जरूर थी मगर सुन ली तूने, आरिफ जब गवर्नर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब वो सारे के सारे तैयार हो गए, भारत के स्टेट से ज्यादा गवर्नर के कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं। ये असल खेल ये है कि शायद इस गलाजत की तकसीम में हमें कुछ हिस्सा मिल जाए।